An Academy. Let's crack it. हेलो नमस्कार, मैं हूं तंसुक पालीवाल। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है ना, ये वीडियो 15 जून 2023 दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग का वीडियो है। और आप देख पा रहे हैं कि अपना भविष्य बनाने के लिए जो स्टूडेंट भारत देश के अलग अलग कोने से देश की राजधानी कहने वाले दिल्ली शहर में जाते हैं और वहां पे इस भीड़ भाड़ वाले मुखर्जी नगर के अंदर कोई सुटेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं और वहां पर रहकर अपनी तैयारी करते हैं, और कहीं पे जगह मिल जाए तो 6x6 का एक कमरा लेके वगैरह, कमरा तो कहना मुश्किल है, कमरा मत कहिए, कमरे के अंदर तीन पार्ट हो जाते हैं, वहां पर रहकर जो है अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कहां पर होता है उसके बारे में जरूर इस बात को ऑब्जर्व कीजिएगा। इस वीडियो ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। 15 जून का ये हादसा जो है ना, ये अपने आप में एक अलर्ट है उन सभी के लिए जो किसी ऐसे संस्थान से जुड़ जाते हैं जहां पर मतलब हजारों की भीड़ होती है, सैकड़ों की कैपेसिटी वहां पर कितनी है, 100-200 लोगों की, लेकिन स्टूडेंट भर दिए जाते हैं 300-400, क्योंकि स्टूडेंट थोड़े ना है, ये तो भेड़ बकरिया है ना, किसी भी बाड़े के अंदर क्या करना है, एंट्री तो करवाना है। और ये भी तो लोग है ना, इनको तो अपना करियर बनाने के लिए, इनको तो IAS-YAS बनना है, UPSC क्लियर करना है, इसके चक्कर में कहीं पर भी ऐसे घुस जाएंगे, कहीं पर भी जो है अपने आप का, अपनी डिग्निटी का बैंड बजा, ऐसा ही तो कुछ हुआ ना। अब देखो, समझना इस वीडियो के पीछे का मीनिंग समझना। थर्ड फ्लोर पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है जिसकी कैपेसिटी 200-300 स्टूडेंट से ज्यादा की शायद नहीं होगी, और वहां पे तकरीबन जैसा कहा जा रहा है कि 600-700 ज्यादा स्टूडेंट वहां पर थे। अब ग्राउंड फ्लोर पे कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या मीटर से कुछ धुआं हुआ निकलता है जो ऊपर तक जाता है। अब ये बच्चे जो है वो UPSC के एस्पिरेंट थे, कोई आर्मी नेवी की ट्रेनिंग करने वाले कमांडो नहीं थे, जो बिल्डिंग की खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे उतरे, है ना। लेकिन इनको उतरना पड़ा, इसका मतलब क्या होता है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा, इसलिए उनको खिड़की से रस्सी के माध्यम से नीचे उतरना। मेरा सवाल है बड़ा सीधा इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से, जो इतनी भीड़ को इकट्ठा तो कर लेते लेकिन इनके पास ना तो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होता है। एक कहते हैं एक रास्ता होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं फायर एग्जिट गेट। आप देखिए दिल्ली के मुखर्जी नगर के अंदर आधे से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी फायर एग्जिट इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है, वहां पर कोई फायर एग्जिट का रास्ता ही नहीं बना हुआ है। आप जाइए किसी मॉल में, बिग बाजार से उठा लो, नेशनल हैंडलूम जा लो, सब जगह पर क्या होता है, जितनी भी मल्टी फ्लोरी बिल्डिंग होती ना, वहां पर फायर एग्जिट का एक अलग रास्ता होता है। अरे वहां पर तो कुछ लोग आते होंगे, यहां पर तो डेली हजारों बच्चे उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, तो वहां पर क्या ये चीज नहीं थी क्या? और जब नहीं थी तो कोचिंग ऑनर को क्या वहां पे अपना कोचिंग चलाना चाहिए था क्या? ये छोटी छोटी बातें होती है, बहुत फर्क पड़ती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले मैंने प्लानिंग किया था कि जयपुर के अंदर जो है एक ऑफलाइन बिल्डिंग लेके क्या किया जाए, कोचिंग स्टार्ट किया जाए, ऑफलाइन कोचिंग। हालांकि वो प्लान मैंने बाद में जाके उसको पोस्टपोन कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय मेरे पास अनअकैडमी टीम से जो डायरेक्शन आए थे ना, वो ये थे कि सर बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें कंप्लीट वो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाए, मतलब आपके फायर एग्जिट प्लान होना चाहिए, अगर वहां पे लिफ्ट का प्रोविजन है तो लिफ्ट के संबंध में क्या सिक्योरिटी वगैरह है, फायर एक्सटिंग्विशर हर फ्लोर पर है कि नहीं है, मेडिकल का अलग अपार्टमेंट बना हुआ है कि नहीं, वगैरह वगैरह। अब मुझे एहसास हो रहा है, कल 15 जून का ये वीडियो देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि क्यों इतनी स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज पूरा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहेंगे स्टूडेंट की जिंदगी को खिलौना तो है नहीं कि टूट जाए, नीचे गिर जाए और नया खिलौना मार्केट से लेकर आ जाएंगे। इसीलिए मैं करबद्ध रूप से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से निवेदन करता हूं, जो भी ऑफलाइन कोचिंग चलाते हो यार, जरूरत पड़े तो दो बैच इन्वॉल्व कर लो, एक बैच में जरूर थोड़ा है कि हम 1,000, 2,000, 3,000 बच्चों को भरा ही भरा है, तीन बैच कर लो, वहां पर तीन बार पढ़ा लो, और उस केस के अंदर बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं खेलना। और खासकर अगर आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर कोई भी फ्लोर हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, सेकेंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है बच्चों की सुरक्षा को दी जाए। अब इस मामले में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।